अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। अगरचे मैंने आपसे कहा था कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी तो आपको एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से, एक नई टेक्निक से मैं आपको कुकिंग के शोज़ बना के दिखाया करूंगी। लेकिन आज मेरा मूड आया कि फ्रिज में बैंगन भी पड़े हुए हैं, टमाटर भी पड़े हुए हैं, प्याज भी मौजूद है, तो क्यों ना मैं नादिया के लिए कोई मज़ेदार सी सब्ज़ी की डिश बना दूँ। ठीक है, तो जनाब जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की एक मज़ेदार डिश, जो कि दुनिया के जिस जिस मुल्क में मैं गई हूँ, चीन हो या जापान, अफ्रीका हो या अमेरिका, जो जो पाकिस्तानी मुझे मिला है उसने मुझे यही कहा है कि आपकी किताब से हमने बैंगन की वो डिश बनाई बेहद मज़ेदार। हमारे घर वाले बैंगन नहीं खाते थे, लेकिन आपकी बताई हुई डिश जब हमने बनाई तो सबको बैंगन बहुत पसंद आ गए जी। तो आज मैं वही डिश नादिया के लिए बना रही हूँ। अगरचे आपके लिए मैं बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत अरसा पहले। अभी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर ये मज़ेदार डिश बनाने जा रही हूँ मैं नादिया के लिए। लेकिन मैंने सोचा मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ, तो ज़रा इनफॉर्मल तरीके से मैं बना रही हूँ। आप देखिएगा बैंगन, ज़रा बैंगनों के साइज़ देखिएगा, यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा बैंगन है। पहले हम तस्वीरों में देखा करते तो हैरान होते थे, अब देखें। अच्छा जी, टमाटर है, प्याज है, बस। और हमें चाहिए नेचुरल योगर्ट, ग्रीक योगर्ट नहीं चाहिए बल्कि नेचुरल योगर्ट चाहिए। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे करूंगी कि बैंगन्स के मैं कतले काट लूंगी 1/4 इंच के बराबर। ठीक है, ये 1/4 इंच मैं बैंगन के कतले काटूंगी। इसके बाद मैं इनको शैलो फ्राइंग करके निकाल लूँगी। ये हो गए। कभी कभी मैं इनके ऊपर ऑयल का स्प्रे करके इनको ग्रिल भी कर लिया करती हूँ, लेकिन आसान तरीका जो कि सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए मैं कतले काट रही हूँ। ठीक है, जितनी देर में मैं कतले काटती हूँ आप बेशक चाय पीजिए, ताकि मैं ये सारे काम कर लूं। मेरा ख्याल है कि ये दो बैंगन ही काफ़ी हैं, काफ़ी बड़े बड़े बैंगन हैं। तीसरे वाला मैं बचा लेती हूँ, उसको किसी और तरकीब से बनाएंगे। ठीक है, बैंगन गए कट, अब मैं क्या करूँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। बजाय फ्राइंग पैन लेने के मैंने क्या किया है कि तवा लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि तवे के ऊपर एक टाइम में मेरे ज़्यादा बैंगन जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, इसलिए मैंने बड़ा तवा लिया है। अगर फ्राइंग पैन में करती तो काफ़ी दफ़ा मुझे ये करने पड़ते। ये जी ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनको मैं चूल्हे पर रख के फ्राई करती हूँ। प्लेट मैंने सामने रख ली है, जो जो फ्राई होते जाएंगे उनको मैं प्लेट में डालती जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से सारे बैंगनों को मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। जी प्याज मैंने लिया है काट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज ऐसे क्यों काटा है इस रुख से, ये मैंने इसलिए काटा है कि इस तरह का कटा हुआ प्याज गल जल्दी जाता है और मेरी आंखों में पानी भी आ रहा है, साथ इतना तेज़ प्याज है। ठीक है, ज़रा मेरी आंखें दिखाएं ना कैसे पानी से भरी हुई है। देखें जी,
यहाँ प्याज भी आप खुद काटते हैं, ठीक है जी। हाँ फ्राइंग पैन में मैंने तेल लिया है दाल, इसको रखती हूँ इधर। और देखिए कैसा हसीन इत्तेफाक है कि मेरा ड्रेस भी बटरफ्लाइज वाला है और नादिया का एप्रन भी बटरफ्लाइज वाला है, ठीक है मेरी फेवरेट बटरफ्लाइज। जी हाँ पैन में ठीक है, और देखें ये सारे मैंने शैलो फ्राई कर लिए हैं, ये जो है बैंगन। अच्छा एक मैं आपको टिप देना भूल गई, वो ये है कि बैंगनों के ऊपर अगर आप थोड़ा नमक छिड़क लेना तो बैंगन जो है वो कम घी चूसते हैं, यानी थोड़ा सा नमक छिड़क लिया जाए तो घी कम चूसते हैं, अदरवाइज़ अगर उसी तरह आप फ्राई करेंगे तो वो घी ज़्यादा जज्ब कर लेंगे, घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं। प्याज को मैं करूँगी फ्राई, टमाटर काट लें, टमाटर की स्टेम निकाल दें और ये थोड़ा सा गल गया इसको निकाल देते हैं। प्याज हमारा हो रहा है फ्राई और ये खुला सा पैन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले पैन में पकाना, विजन जिसका ज़्यादा हो। बोल जी प्याज गोल्डन हो रहा है, एग्जॉस्ट मैंने बंद कर दिया है क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी है एग्जॉस्ट की कि मेरी आवाज़ उसमें जो है वो दब जाती, इसलिए एग्जॉस्ट बंद कर दिया मैंने। प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है, थोड़ा सा और करूँगी। जी प्याज हो क्रीप कर, प्याज हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब मैंने जो 3 अदद बड़े बड़े टमाटर काटे थे वो इसमें डाल रही हूँ। यहाँ टमाटरों के डिफरेंट साइज और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। टमाटर डाल दिए। अच्छा इसमें अदरक और लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक ना डालें क्योंकि ये जो बैंगन है इनकी अपनी तासीर जो है वो गर्म बताई जाती है, इसलिए इसमें अदरक या लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए, टमाटर थोड़े से गल जाएं तो इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। वैसे मैं अपने घर में जो डालती हूँ ना तो सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ डालती हूँ पाउडर की फॉर्म में, इस वक्त मुझे ये साबत ही मिला है तो मैं साबत ही डाल रही हूँ। मैं करती हूँ सफ़ेद ज़ीरा भून के ना, उसको ड्राई रोस्ट करके पीस के वर्क लेती हूँ, उसकी खुशबू लाजवाब होती है। अच्छा ये अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, इसको ज़रा हम करेंगे फ्राई और इसको भून के ना तो बिल्कुल इसकी पेस्ट लाइक हम बना लेंगे सारी शक्ल, ठीक है।
बन रहा है, नमक, मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा इज़ मस्ट, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसमें कि कोई हद नहीं। तो वो ज़रूर डालना है। अगर भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आपके पास पाउडर की फॉर्म में है तो फिर तो क्या ही कहने। मसाला मैंने थोड़ा सा इसमें हैंड ब्लेंडर भी चलाया था ताकि ये जल्दी मैं इसको पीस सकूँ, वरना आप इसको दबा दबा के चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से भी इसको कर सकते हैं। ये जनाब जी मसाला हमारा गया है भुन, और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बैंगन हैं वो हम लगाएंगे इसके ऊपर। इतने बड़े बड़े देखा आपने बैंगन थे, मैंने दो ही बैंगन काटे हैं, तीसरा मैंने बचा लिया है, किसी और फॉर्म में उसको बनाएंगे। अच्छा, मेरी अम्मी को भी बैंगन बेहद पसंद थे। अम्मी बहुत किस्मों से बैंगन बनाती थी, और हमारे बचपन में अम्मी बनाया करती थी इमाम बे अल्दी, जो साल हा साल बाद जब मैं टर्की गई तो वहाँ मैंने ये डिश खाई। मैंने कहा कमाल है कि अम्मी उस ज़माने में इमाम बे अल्दी बनाया करती थी बैंगन की डिश, और बैंगन की अम्मी बहुत ही मज़े मज़े की डिशेज़ बनाया करती थी। अच्छा जी, ये हमने जो बैंगन फ्राई किए थे वो डाल दिए। ये दो मैं डंडियाँ जो बैंगन काटे थे ना वो मैं ज़रूर डालूँगी, इसलिए कि हमारे घर में अम्मी ज़रूर डाला करती थी। वो कहती थी कि बैंगन की जो तासीर होती है ना उसमें से कुछ थोड़ा सा एलिमेंट होता है, वो इतना सेहत पक्ष नहीं होता, और ये डंडियाँ जो है ना उसको न्यूट्रल कर देती हैं। इसलिए मैं तो जब भी पकाती हूँ ना बैंगन की डंडियाँ ज़रूर साथ शामिल करती हूँ। अच्छा जी, अब हम करते हैं चूल्हे को ज़रा आहिस्ता, और मेरे पास ये है नेचुरल योगर्ट, ठीक है। नेचुरल योगर्ट मैं ऐसे इसके ऊपर डालूंगी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई नेचुरल योगर्ट। अगर आपने और डालनी है तो बेशक और डाल दें, मैं एक चम्मच और डालती हूँ। ये मेरे पास पूरा कंटेनर है नेचुरल योगर्ट का। वैसे मैं अपने यहाँ घर में तो कुंडे वाली दही डालती हूँ, लेकिन यहाँ हमारे पास ये चूँकि नेचुरल योगर्ट है तो वेल एंड गुड। ये जनाब हमने सेंटर में डाल दी, ठीक है। इसके ऊपर एक टीस्पून क्रश्ड चिल्लीज की डाली, और उसके बाद ये है लेमन जूस, ये एक चम्मच हमने इसके ऊपर डाल दिया लेमन जूस। मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास हरी मिर्चें हैं नहीं, इसको रख देते हैं हम अब दम पर। तो ये जनाब जी, ये जनाब जी हमारी बैंगन की वो मज़ेदार डिश तैयार होने जा रही है। मैंने दम पर रख दिया है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, पहली बात तो यह है कि मेरी अम्मी को बैंगन बहुत पसंद है, मुझे भी बैंगन बहुत पसंद है, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। नंबर दो, दुनिया के जिस मुल्क में मैं गई हूँ, जो जो मुझे पाकिस्तानी मिला उसने यही कहा कि आपकी किताब से हमने बैंगन की डिश बनाई, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो जनाब जी, जब ये हो जाएगी तैयार मैं आपको दूँगी इसकी फाइनल लुक, ठीक है। और मेरे जो नए देखने वाले हैं, जो नई जनरेशन मेरे यूट्यूब पे शामिल हुई है, उनके लिए एक बार फिर मैं बना रही हूँ। अगरचे मैं इसको, मेरा हाल 30-35 साल पहले टीवी पे दिखा चुकी हूँ, ठीक है, नए लोगों के लिए नए तरीके से। ढक्कन मैंने हटा दिया है, अगरचे ये नेचुरल योगर्ट है उसके बावजूद इसने इतना पानी छोड़ा है कि अब मैं ढक्कन हटा के इसका वाटर खुश करें, जबकि मैं अपने यहाँ कूडे की दही लेके उसके नीचे मलमल का कपड़ा रख के, छलनी में रख के उसका पानी निकाल लेती हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर डाल के फिर निपन चोड़ती हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे कॉटेज चीज़ के पीसेस जो है ना पूरे बैंगनों में फैल गए हैं। यहाँ इस देखने में तो योगर्ट काफ़ी गाढ़ी थी, लेकिन
इस तरह वाटरी वाटरी वहाँ पे नहीं होता। इसको अब मैं पानी को कर रही हूँ ड्राई और उसके बाद फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। जी हमारी डिश हो गई है तैयार। इसके साथ मैं रखती हूँ चम्मच। अच्छा जी, अगर आप इसको इस तरह खुले बर्तन में पका रहे हैं तो एज इट इज़ आप इसको सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुली डिश में जिसमें कि मैंने बैंगन फ्राई करके रखे थे उस खुली डिश में इसको डालें और बड़ी एहतियात के साथ निकाल के इस तरह डिश में डालें कि ये जो पनीर बना हुआ दही का है ना ये टॉप के ऊपर रहे। जी तो ये हमारी मज़ेदार डिश हो गई है तैयार, जो कि होगा सरप्राइज़ एक बार फिर नादिया के लिए। मैंने बैंगन देखे फ्रिज में, मुझे ख्याल आया दही भी पड़ी है, टमाटर भी है, बैंगन भी है, तो चले क्यों ना मैं आज कोई मज़ेदार सी डिश नादिया के लिए बनाती हूँ, वरना वो काम से आके खुद ही शाम को खाना बनाती है। ठीक है, तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्या कहना चाहिए जल्दी बन जाने वाली डिश बैंगन। चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, दोनों तरह से बहुत मज़े की लगेगी। और अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हैं तो आप जो कुंडे की दही है ना नेचुरल योगर्ट, उसको पहले एक छलनी बारीक छलनी में डाल के उसका पानी निकाल लें, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर डालें तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कॉटेज चीज़ ऊपर पड़ा हुआ है। इस दही ने काफ़ी पानी छोड़ा जिसको मुझे ढकना हटा के तो ड्राई करना पड़ा। बैंगन गल चुके हैं, बड़े मज़ेदार चटपटे बिल्कुल। अब शाम के लिए मैं इंतज़ार करूँगी कि नादिया आए, इसको देखे और फिर इंजॉय करें।